नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग PMPML की LTD सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा ये सर्विस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज का ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं LTD सर्विस के मतलब के बारे में एंड इसके मीनिंग के बारे में। बेसिकली अंडर द LTD सर्विस जो भी बस फ्लाई करेगी वो सारे के सारे बस स्टॉप पे नहीं रुकेगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेन बस स्टॉप पे ही रुकेगी। इट विल ओनली एंड ओनली हॉल्ट ऑन द मेन बस स्टॉप। वो छोटे छोटे बस स्टॉप जो रहेंगे उनको छोड़ देगी, स्किप कर देगी। दिस इज सिमिलर ऑन द लाइन्स ऑफ द फास्ट लोकल ट्रेन सर्विस इन मुंबई। मुंबई में आपने देखा होगा दो टाइप्स की लोकल रहती है, फास्ट लोकल एंड स्लो लोकल। फास्ट वाली सारे के सारे स्टेशन पे नहीं रुकती है, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े स्टेशन पे रुकती है, छोटे स्टेशन्स को स्किप कर देती है। तो इधर भी सेम टू सेम वही होने वाला है। एंड ये जो सर्विस है ये December 25 यानी क्रिसमस के दिन से शुरू हो गई है ऑलरेडी ऑन अ ट्रायल बेसिस। एंड इसके अंदर हमारी ओलेक्ट्रा की इलेक्ट्रिक बसेस को चलाया जा रहा है। जी हाँ, एट नॉमिनल फेस, वो नॉर्मल फेस के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक बसेस को चला रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये सर्विस तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है एंड इसका रिस्पॉन्स देखा जाएगा थोड़े दिनों में, प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल। एंड PMPML हैज़ आइडेंटिफाइड अराउंड 11 रूट्स, 11 रूट्स को उन लोग ने आइडेंटिफाई किया है एज LTD स्पेशल रूट्स। तो इन सारे के सारे रूट्स का जो लिस्ट है वो मेरे पास है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है इस वीडियो में आगे, तो देखते रहे। तो आइए अब बात करते हैं कि PMPML ने कौन से रूट्स को LTD स्पेशल रूट्स घोषित किया है। तो सबसे पहला जो रूट है वो है रूट नंबर 372, दैट इज निगड़ी ते हिंजावाड़ी फेज 3। ये जो रूट है इस पे बसेस हर 30 मिनट्स यानी हर आधे घंटे में अवेलेबल होगी। तो इसके बस स्टॉप से निगड़ी भक्ति शक्ति, निगड़ी पवले पुल, अकुरडी चौक, चिंचवड़ गांव, चाफेकर चौक, देन डांगे चौक, भूमकर चौक, फिर उसके बाद हिंजावाड़ी गांव, फिर उसके बाद हिंजावाड़ी शिवाजी चौक, हिंजावाड़ी फेज 1, फिर उसके बाद विप्रो सर्कल, हिंजावाड़ी फेज 2, फिर टेक महिंद्रा एंड लास्ट में हिंजावाड़ी फेज 3। तो ये था सबसे पहला रूट एंड इसके ऊपर हर आधे घंटे में एक बस अवेलेबल होगी। फिर अब बात करते हैं दूसरे रूट के बारे में, दैट इज रूट नंबर 301, हड़पसर भेकराई नगर ते कातरज। एंड इसके बस स्टॉप्स है भेकराई नगर, हड़पसर गाड़ीतल, फातिमा नगर, देन महात्मा गांधी स्थानक दैट इज पुलगेट बस स्टैंड, उसके बाद स्वारगेट। देखिए पुलगेट बस स्टैंड और स्वारगेट के बीच में कोई भी बस स्टॉप नहीं है। एंड फिर स्वारगेट के बाद बालाजी नगर एंड लास्ट में कातरज। एंड ये जो रूट है इसके ऊपर हर 25 मिनट में एक बस अवेलेबल होगी। फिर उसके बाद तीसरे रूट के बारे में बात करें तो वो है रूट नंबर 348, निगड़ी टू पुणे स्टेशन यानी भक्ति शक्ति टू पुणे स्टेशन। फिर उसके बस स्टॉप है निगड़ी भक्ति शक्ति, निगड़ी पवले पुल, अकुरडी चौक, चिंचवड़ गांव, चाफेकर चौक, डांगे चौक, कालेवाड़ी फाटा, फिर जगताप डेरी, रक्षक चौक, औंध गांव, पुणे विद्यापीठ यानी पुणे यूनिवर्सिटी, देन शिमला ऑफिस, RTO एंड लास्ट में पुणे स्टेशन। एंड ये रूट के ऊपर हर 35 मिनट्स में बस अवेलेबल होगी। फिर उसके बाद आता है रूट नंबर 336, दैट इज निगड़ी ते वाघोली। उसके बस स्टॉप है निगड़ी भक्ति शक्ति, निगड़ी पवले पुल, अकुरडी चौक, चिंचवड़ स्टेशन, पिंपरी, कासरवाड़ी, बोपोड़ी, खड़की बाजार, डेक्कन कॉलेज, येरवड़ा। उसके बाद है विमाननगर कॉर्नर, खराड़ी बाईपास, साई सत्यम सोसाइटी, वाघोली एंड लास्ट में केस्टन फाटा। फिर ये रूट के ऊपर बसेस हर 40 मिनट में अवेलेबल होगी। फिर उसके बाद आता है रूट नंबर 201, भेकराई नगर हड़पसर ते आलंदी। तो उसके बस स्टॉप है भेकराई नगर, हड़पसर गाड़ी तल, देन फातिमा नगर, महात्मा गांधी स्थानक, पुणे स्टेशन, देन येरवड़ा, 509 चौक, फिर उसके बाद विश्रांतवाड़ी, दिघी, देन उसके बाद मैगजीन, चारहोली फाटा एंड देन लास्ट में आलंदी। एंड ये रूट के ऊपर हर 45 मिनट्स में बस अवेलेबल रहेगी। फिर उसके बाद आता है रूट नंबर 208, दैट इज भेकराई नगर हड़पसर ते हिंजावाड़ी मान फेस 3। तो उसके बस स्टॉप है भेकराई नगर, हड़पसर गाड़ीतल, फातिमा नगर, महात्मा गांधी स्थानक दैट इज पुलगेट,
फिर उसके बाद पुणे स्टेशन, मनपा, शिमला ऑफिस, पुणे विद्यापीठ, बानेर फाटा, बालेवाड़ी फाटा, देन राधा हॉल और बालेवाड़ी स्टेडियम, फिर उसके बाद वाकड़ पुल, देन हिंजावाड़ी शिवाजी चौक, हिंजावाड़ी फेज वन, आफ्टर दैट विप्रो सर्कल, हिंजावाड़ी फेज टू, देन टेक महिंद्रा एंड लास्ट में हिंजावाड़ी फेज थ्री। एंड ये जो रूट है 208, इसके ऊपर हर 45 मिनट्स में बस अवेलेबल रहेगी। फिर उसके बाद आता है रूट नंबर 204, भेकराई नगर हड़पसर ते चिंचवड़। तो उसके जो बस स्टॉप है वो है भेकराई नगर हड़पसर गाड़ी तल, फिर उसके बाद फातिमा नगर, महात्मा गांधी स्थानक, पुणे स्टेशन, मनपा, शिमला ऑफिस, पुणे विद्यापीठ, देन औंदगांव, रक्षक चौक, जगताप डेरी, कालेवाड़ी फाटा, डांगे चौक एंड लास्ट में चिंचवड़ गांव। एंड ये जो रूट 204 है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी बसेस की वो हर 40 मिनट में रहेगी। फिर उसके बाद आता है रूट नंबर 42, दैट इज़ कातरच ते निगड़ी। तो उसके अंदर बस स्टॉप है कातरच, बालाजी नगर, स्वारगेट, उसके बाद है डेक्कन या गुडलक चौक, शिवाजी नगर, वाकड़ेवाड़ी, बोपोड़ी, कासारवाड़ी, पिंपरी, चिंचवड़ स्टेशन, फिर उसके बाद अकुरडी चौक, निगड़ी पवले पुल एंड लास्ट में निगड़ी भक्ति शक्ति। एंड ये जो रूट नंबर 42 है, इसके ऊपर भी हर 45 मिनट्स में बस अवेलेबल रहेगी। फिर उसके बाद आता है रूट नंबर 64B, दैट इज भेकराई नगर हड़पसर टे NDA गेट। तो उसके बस स्टॉप है भेकराई नगर हड़पसर गाड़ी तल, फातिमा नगर, महात्मा गांधी स्थानक, देन स्वारगेट, डेक्कन कॉर्नर, SNDT, देन कोथरूड स्टैंड, फिर उसके बाद करवे नगर, वारजे मालवाड़ी, फिर उसके बाद गणपति माथा, उत्तम नगर एंड देन लास्ट में NDA गेट नंबर 10। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हर 40 मिनट में रहेगी। हर 40 मिनट में हमें बसेस मिलेगी 64B के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रूट के बारे में, एंड वो है रूट नंबर 139A, दैट इज भेकराई नगर टे निगड़ी। तो उसके बस स्टॉप है भेकराई नगर हड़पसर गाड़ी तल, देन फातिमा नगर, महात्मा गांधी स्थानक, फिर उसके बाद पुणे स्टेशन, वाकड़ेवाड़ी, देन बोपोड़ी, कासरवाड़ी, पिंपरी, फिर चिंचवड़ स्टेशन, अकुरडी चौक, निगड़ी पवले पुल एंड लास्ट में निगड़ी भक्ति शक्ति। एंड ये जो 139A है, इसके ऊपर हर 1 आवर में एक बस रहेगी, 1 आवर में एक बस। फिर उसके बाद बात करते हैं अगले रूट के बारे में, एंड वो है रूट नंबर 149, दैट इज़ भेकराई नगर टे निगड़ी, यानी हड़पसर से निगड़ी। तो उसके अंदर आते हैं बस स्टॉप भेकराई नगर हड़पसर गाड़ी तल, देन मगरपट्टा सिटी, ये मगरपट्टा के थ्रू जाती है, फिर उसके बाद मुंडवा, देन खराड़ी बाईपास, विमान नगर कॉर्नर, फिर येरवड़ा पोस्ट, 509 चौक, फिर विश्रांतवाड़ी, दिघी मैगजीन, देन भोसरी, देन लांडेवाड़ी, देन गौली माथा, देन टेल्को कंपनी, थर्मैक्स चौक, फिर उसके बाद निगड़ी पवले पुल एंड लास्ट में निगड़ी भक्ति शक्ति। एंड ये जो है रूट नंबर 149, इसके ऊपर हर 40 मिनट में बसेस रहेगी। तो ये थे 11 के 11 रूट्स, मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे दी है। अब मैं आपको PMPML के ऊपर कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा। PMPML ने रिसेंटली कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स को शुरू किया था टू रांजनगांव, जयजुरी एंड आई थिंक ऑल्सो टू राहुगांव वाया वाघोली एंड कुछ और भी रूट्स थे। फिर उसके बाद PMPML की जो अटल बस सेवा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रही है एंड उसकी वजह से राइडरशिप भी इंक्रीज हो रही है एंड PMPML इज ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट मोर अटल रूट्स। PMPML ने रिसेंटली एक नया अटल रूट शुरू किया है, दैट इज़ P2, टाड़ीवाला रोड टू पुणे स्टेशन, पुणे स्टेशन टू टाड़ीवाला रोड। तो ये भी अच्छी बात है। फिर उसके बाद PMPML की जो ABHI अभी एयरपोर्ट बस सर्विस है, उसके जो फेयर्स थे वो अभी रिड्यूस हो चुके हैं थोड़े बहुत।
तो ये अच्छी बात है। एंड जैसे ही पुणे एयरपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा ऑपरेशनल होता है वैसे ही इधर राइडरशिप भी इंक्रीज हो जाएगी एयरपोर्ट बस सर्विस की। तो ये थे कुछ PM PML के अपडेट्स। एंड अगर आपको आज का ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए वीडियो को। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, वो नीचे जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।